नमस्कार, आज तक एआई में आपका स्वागत है। मैं हूं एआई एंकर सना। मैं आपको दुनिया भर की खबरों से रूबरू कराऊंगी। आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। उत्तरी नाइजीरिया में एक शादी समारोह से लौट रही नाव के पलट जाने से बच्चों सहित कम से कम 103 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ये हादसा राज्य की राजधानी इलोरिन से 160 किलोमीटर दूर क्वारा राज्य के पटेगी जिले में नाइजर नदी में हुआ। सोमवार तड़के डूबी नाव में सवार दर्जनों लोगों की अभी भी तलाश जारी है। हादसे में 100 से ज्यादा लोगों को बचाने में सफलता भी मिली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेट डॉक्यूमेंट मामले में मियामी कोर्ट में सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। करीब 45 मिनट तक चली कार्यवाही के दौरान ट्रंप ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया। सुनवाई के बाद उन्हें सशर्त रिहाई मिल गई। सुनवाई के दौरान ना ही ट्रंप से उनका पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया और ना ही उनकी यात्राओं पर किसी तरह की रोक लगाई गई। सुनवाई के दौरान ट्रंप ने गलत काम से इनकार किया और मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। इंग्लैंड के नॉटिंघम शहर में मंगलवार को हत्या के शक में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। यहां 3 लोगों पर चाकू से हमला किया गया था और तीनों की ही मौत हो गई। 19 साल के बरनबी वेबर और ग्रेस कुमार और लगभग 50 साल के एक शख्स को बुरी तरह चाकू मार दिया गया। इस घटना के अलावा एक दूसरे मामले में 3 अन्य लोग एक वैन से टकराकर घायल हो गए। पुलिस का मानना है कि चाकूबाजी के शिकार बुजुर्ग से इस वैन को चुराया गया था। एक संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आतंकवाद रोधी पुलिस टीम भी जांच में शामिल है, लेकिन किसी घटना में आतंकी एंगल की पुष्टि नहीं हुई है। इंग्लैंड में जूनियर डॉक्टर 72 घंटे के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टर वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की जूनियर डॉक्टर्स कमेटी का कहना है कि पिछले 15 वर्षों में डॉक्टरों ने 26% वेतन कटौती झेली है। वेतन बढ़ती महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। वे 2008 से 2009 के स्तर पर वेतन बहाल करना चाहते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ जाएगा। सऊदी अरब और बहरीन जैसे गल्फ देशों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI सेवा का विस्तार करने के लिए बहरीन और सऊदी अरब सहित कई खाड़ी देशों से बातचीत कर रहा है। हालांकि यह बातचीत अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन खाड़ी देश भी UPI में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक अमेरिकी दौरे से पहले अमेरिका भारत पर जल्द से जल्द अपने देश में बने US मिलिट्री ड्रोन की खरीद पर मुहर लगाने का दबाव बनाने में जुट गया है। भारत ने लंबे समय से अमेरिका से मिलिट्री ड्रोन खरीदने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन किन्हीं वजहों से ये डील आगे बढ़ नहीं पाई है। इस डील में $2 बिलियन से $3 बिलियन तक की राशि खर्च हो सकती है।